बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी, श्री संदीप केआरपी जी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मनीष वर्मा जी, विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष श्री नेगी साहब, मंच पर बैठे अन्य प्रतिनिधिगण और यहाँ उपस्थित मित्रों, बहनों और भाइयों। मित्रों, आज अपना भाषण शुरू करने के पहले मैं सबसे पहले वायुसेना के जवानों को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने पुलवामा के शहीदों का बदला लेने का काम किया। मित्रों, पिछले 13 वर्षों के नीतीश जी के कार्यकाल में अनेक ऐसे काम हुए जिसको हम क्रांतिकारी काम कह सकते हैं, जिसने बदल दिया पूरे बिहार की तस्वीर को, जिससे महिलाओं को पंचायत चुनाव में 50% का आरक्षण दिया जाना, इसने बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में क्रांति ला दिया, एक मौन परिवर्तन ला दिया। उसी प्रकार यह ऊर्जा का जो क्षेत्र है, इसमें जो काम हुआ है, एक ऐसा बदलाव है जिसकी कोई बिहार में कल्पना नहीं कर सकता था। मैं तो कम से कम जब मंत्री बना तो मुझे तो कल्पना नहीं थी कि हम कभी बिहार के गांव-गांव के अंदर बिजली पहुंचा पाएंगे, और उसे मुख्यमंत्री के सपने को ऊर्जा विभाग ने जो पूरा किया है, इसके लिए बैठे सभी लोग और बधाई के पात्र हैं। मित्रों, ऊर्जा विभाग ने अनेक इस देश के अंदर और पुरस्कार भी एक प्रकार से प्राप्त किया है। सभी घरों को जो बिजली पहुंचाने का काम हुआ, सभी घरों को विद्युत संबंध प्रदान करने में बिहार देश का 8वां राज्य हो गया। कुछ राज्य थे पहले से, लेकिन जब सभी राज्यों में घर घर बिजली पहुंचाने के की स्पर्धा प्रारंभ हुई तो बिहार देश का 8वां राज्य हो गया। उसी प्रकार नीति आयोग द्वारा वर्ष 18 के लिए निर्गत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स में बिहार को बिजली की उपलब्धता इत्यादि मामलों में फ्रंट रनर राज्यों में शामिल करते हुए और 6ठा स्थान पर बिहार को रखने का काम किया है। मित्रों, यहाँ पर नेगी साहब बैठे हुए हैं, यदि मुझे पता नहीं बिजली होल्डिंग कंपनी के लोग कितने प्रसन्न होंगे, लेकिन एज ए कंज्यूमर कल जो निर्णय आया है कि विद्युत की दरों को बढ़ाया नहीं जाएगा, उसके लिए मैं नेगी साहब और उनकी पूरी टीम को भी इसके लिए बधाई और धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, बिहार सरकार ने अनेक ऐसे कदम उठाए, जिस तरह से एनटीपीसी बरौनी, कांटी और नबीनगर, इन तीनों को एनटीपीसी को सौंपने का काम किया, उसके कारण बिहार को लगभग 875 करोड़ रुपए की बचत हुई है। यह मुख्यमंत्री जी का दूरदर्शितापूर्ण निर्णय था कि हम इन बिजली कंपनियों को चला नहीं पाएंगे, चलाने में काफ़ी कठिनाई आएगी, तो सरकार को बचत भी हुई और हमने वो पावर प्लांट्स एनटीपीसी को दे दिया। उसी प्रकार झारखंड के साथ जो टीवीएनएल, जो तेनूघाट बिजली निगम लिमिटेड, ये झारखंड के बंटवारे के बाद वर्षों से विवाद चल रहा था, क्योंकि बिहार तत्कालीन बिहार और बिजली बोर्ड ने लगभग 1221 करोड़ रुपया और तेनूघाट विद्युत निगम में निवेश किया था या ऋण के रूप में देने का काम किया था। मुझे खुशी है कि झारखंड के साथ समझौता हो गया और स्टेज 2 के अंदर जो भी विद्युत वहाँ ऊर्जा पैदा होगी, विद्युत पैदा होगी, उसका 40% झारखंड को जिस रेट पर ऊर्जा की आपूर्ति की जाएगी, उसी रेट पर बिहार को भी बिजली की आपूर्ति की जाएगी। तो यानी तेनूघाट के साथ वर्षों से जो विवाद चल रहा था, उसका भी समाधान करने का काम और हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, प्रीपेड मीटर के बारे में लगातार अखबारों में छप रहा है, मैं तो उस दिन का, मैंने 3 साल पहले दिल्ली में देखा लोगों को प्रीपेड मीटर का इस्तेमाल करते हुए, और मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि 2 वर्षों के भीतर बिहार के अधिकांश घरों में प्रीपेड मीटर लगा दिया जाएगा। मेरे मित्रों,
हम लोगों ने 2005-06 से कितना पैसा खर्च किया ऊर्जा क्षेत्र में, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर हम 19-20 के आंकड़ों को जोड़ दें तो 5-6 से लेकर अभी तक लगभग 90,000 करोड़ रुपया, 90,000 करोड़ ये बिहार सरकार ने केवल ऊर्जा क्षेत्र पर और खर्च करने का काम किया है। और इसके अंदर जो हम कंज्यूमर को सब्सिडी दे रहे हैं, तो मेरे पास 13-14 से आंकड़ा है कि जो कंज्यूमर को हम सब्सिडी दे रहे हैं तो लगभग 25,000 करोड़ रुपया ये हम उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने का काम कर रहे हैं। और मित्रों, आज जो शौचालय निर्माण के बारे में जो यहाँ एक लोगो चित्र दिखाया गया है, मैं फिर से एक बार पावर होल्डिंग कंपनी के तमाम पदाधिकारियों को कि उन्होंने महिला कर्मचारियों की भी चिंता की है और उनके लिए अलग से शौचालय बनाने का काम एक रिकॉर्ड समय में जो बनाने का काम किया है, उसके तमाम सिविल इंजीनियर्स और पूरी टीम को भी मैं अपनी ओर से बधाई और धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि 2019 तक जब बिहार के अंदर बिजली के पंप से सिंचाई होनी प्रारंभ हो जाएगी और विद्युत के तार बदल दिए जाएंगे, एक नया माइलस्टोन, एक नया मील का पत्थर हम ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार के अंदर और स्थापित कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, प्रत्यय अमृत जी और तमाम यहाँ बैठे हुए जो सैकड़ों इंजीनियर्स हैं, उन सभी लोगों को बिहार को इन ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए अपनी ओर से बधाई और धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, दिल से आभार व्यक्त करती हूँ माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री सुशील कुमार मोदी जी का और माननीय मुख्यमंत्री महोदय।